हेलो गाइस एंड गाइस, मेरे पास एक अमेजिंग फैक्ट है। एक सेकंड गाइस, इसे पास ही कर लूं। गाइस फैक्ट, मेरे डार्क सर्कल्स कम दिख रहे हैं ना? मैं कहां गए, मुझे खुद मेरे डार्क सर्कल नहीं दिख रहे थे। तो गाइस, क्या आपको एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में पता है? वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू, गेस करो गेस करो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू किसका है? मैं ये नहीं बताने वाला कि स्टैचू कहाँ पर है, किस जगह पर है, सिर्फ ये बताऊंगा कि उस स्टैचू का नाम क्या है। गेस करो गेस करो, जिनको उनका आंसर पता है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, और जिनको इन वीडियो का आंसर नहीं पता वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो 5 सेकेंड का काउंट गेस कर लेना, सॉरी 10 का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टाइम। तो गाइस आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो ब्रिटिशर्स के ज़माने में थे, सॉरी वल्लभ भाई पटेल नहीं थी सबसे बड़ी स्टैचू, वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो गांधी जी के साथ मतलब मना करते थे ऐसे, वो ऐसे हड़ताल करने से कि हम नहीं करेंगे, छोड़ो ना, मतलब ब्रिटिशर से क्यों पंगा लेना, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सोच से उनको भी मतलब गांधी जी की तरफ कर दिया था। वो लोग भी कहते थे कि चलो हम आपके साथ लड़ेंगे, इसलिए वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी ऐसे स्टैचू है, और मतलब बहुत बड़े है, और उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर फिट किया है, ऐसा स्ट्रक्चर ही है कि कोई तूफान बारिश है उसके अंदर ऐसी चीज़ ही है जो मतलब कभी मतलब गिरेगा विरेगा नहीं। अब मैं अगली वीडियो वल्लभ भाई पटेल पार्ट 2 लाऊंगा, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल पार्ट 2, नहीं द ग्रेट मैन वल्लभ भाई पटेल पार्ट 2, क्या था मिस्टीरियस बर्म्यूडा ट्रायंगल पार्ट 2, देखते हैं अगली वीडियो कल आऊंगा। याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने क्या काम किया था अगर वापस भूल गए मेरी वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और देखते हैं मैं अगली वीडियो में क्या लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।